हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चन हम बनाना सिखाएंगे, किस टाइप से आप बना पाओगे उन्हें। तो उससे पहले उसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके NCERT बुक के, वो आप आसानी से बना पाओ। ठीक, तो हम देखते हैं, आइए इसके कुछ बेसिक फार्मूले पहले हम उन्हें को लिख लेते हैं और उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, तो होता क्या है, इसमें पहला जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरक कोण होता क्या है बेसिक। तो हम जानते हैं कि इसमें जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें हम मैक्सिमम जो बात करते हैं वो एक समकोण त्रिभुज के लिए बात करते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज की विशेषता आपको पता है क्या होती है, कि उसमें कोई भी एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होता है, यानी कि 90 अंश का होता है। जैसे हम सपोज मान लीजिए एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देते हैं, तो इसमें होगा क्या, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसको हम मान लेते हैं B, इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं सपोज C। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या है कि जो B है वो आपका क्या है, समकोण कोण है, यानी कि 90 अंश का है, हम कह सकते हैं। ठीक, अब होता क्या है, पूरक कोण ये बताता है कि यदि, मतलब 90 अंश को छोड़ के, यदि कोई दो कोण जैसे A और C, इन दोनों का योग यदि 90 अंश है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये दोनों जो कोण होंगे, ये इस त्रिभुज के लिए क्या होंगे, पूरक कोण का कार्य करेंगे। यदि किन्हीं दो कोणों का योग, अगर हम सिंपल कहें तो किन्हीं दो कोणों का योग किसी त्रिभुज के लिए, ठीक है, दो कोणों का योग यदि 90 अंश होता है, तो उस स्थिति में वो दोनों कोण उस त्रिभुज के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और इसी से मिलता जुलता आपका ये जो एक्सरसाइज 8.3 है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरी जो दी गई है। ठीक है, तो इसको आसानी से आप देख सकते हो, जैसे सपोज मान लीजिए ए और सी का योग 90 अंश है। ठीक है, हम कहें तो इसको प्रूफ भी करा सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, अच्छा प्रूफ क्या करना है उसमें, आप जानते हो, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक, तो एबीसी में होगा क्या, हम जानते हैं कि नहीं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज के, त्रिभुज एबीसी, एबीसी के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, जो योग होता है वो कितने बराबर कितना होता है आपका, 180 अंश होता है। अब बिकॉज यहाँ पर कितने एंगल आपको जो दिए गए हैं वो क्या हैं, कोण ए है, प्लस कोण बी है, और प्लस कोण सी है, और इन तीनों का योग जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, ये आप जानते हो। अब क्या है कि यहाँ पर कोण बी जो दिया हुआ है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कोण बी जो है वो कितने अंश का है आपका, 90 अंश का दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि कोण ए प्लस बी के, कोण बी के स्थान पर हम लिखेंगे 90 अंश, प्लस कोण सी आपका ऐसे ही रहना है, ये हो जाएगा 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी, 90 को आप उस साइड में भेज दोगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 अंश। और यदि आप इनको घटाते हो तो ए प्लस कोण सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 90 अंश निकल के आता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत बेसिक है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि किसी भी दो कोणों का योग, कितनी भी दो कोणों का योग, यानी कि एक तो आपका 90 अंश का होगा ही होगा उसमें, तो बचे जो शेष कोण, उन दोनों का योग भी क्या होता है, हमेशा 90 अंश होता है। इसलिए हम बोलते हैं उन दोनों त्रिभुजों को क्या बोलेंगे, उन दोनों कोणों को त्रिभुज का पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शेष बचे आपके ए और सी, ये इस त्रिभुज के लिए कैसा काम करेंगे, दोनों पूरक कोण का काम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, पहले फार्मूले हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको खाली प्रूफ मेंट था कि ए और सी का मान भी कितना आएगा आपका, 90 अंश आता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है आपका, 90 अंश का बनाते हैं दोनों कोण, तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, अब हम काम करते हैं, जो आपको कुछ फार्मूले दिए हुए थे बेसिक, इसको हम मिटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक, अगला काम स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, अब इसमें होता क्या है,
ठीक, कुछ इसके बेसिक फार्मूले हैं। तो यहाँ पर हम नंबर एक डालते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज कहीं आपको मिलता है साइन 90 माइनस ए, ठीक, तो ये जो होता है साइन 90 माइनस ए का अब फार्मूला जो होता है वो होता है आपका कॉस ए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर दो, सपोज कहीं मिलता है आपको कॉस 90 माइनस ए, तो ये जो होता है ये होता है साइन 1 के इक्वल, ठीक है, सेम कंडीशन। तीसरा जो होता है वो होता है यहाँ पर सपोज कहीं मिलता है टेन 90 माइनस ए, ठीक है, टेन 90 माइनस ए, तो ये जो आपका होता है ये होता है कॉट ए के इक्वल, ठीक है। नंबर फोर, सपोज यदि आप वो मान लीजिए कहीं मिलता है कॉट 90 माइनस ए, तो ये जो होता है ये होता है आपका टेन ए के इक्वल, ठीक, टेन ए। फाइव, पांचवा आपका यदि सपोज मान लीजिए sec 90 माइनस ए कहीं दिया हुआ है तो ये आपका होता है cos 1 a के इक्वल, ठीक। यदि आपको cos 1 90 माइनस ए दिया हुआ है, 90 माइनस ए, तो ये आपका होता है sec 1 के इक्वल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको कोई मतलब दिक्कत नहीं है, इन फार्मूले में आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज़ यहाँ पर होता क्या है, सपोज मान लीजिए साइन साइन 90 माइनस ए दिया हुआ है, तो साइन 90 माइनस ए का मीन्स हुआ कि उसका संबंध cos a से होता है। जब cos a से संबंध है साइन 90 माइनस ए का, तो इसका दूसरा जो फार्मूला होता है, यदि मान लीजिए cos 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे आपका किससे संबंध होगा, साइन a से संबंध होता है, ठीक है। सेम कंडीशन, tan 90 माइनस ए का संबंध cot a से होगा, तो cot का संबंध किससे होता है, tan a से होता है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot a होता है, तो cot को अगर आप लिखते हो cot 90 माइनस ए, तो ये आपके किसके इक्वल आता है, tan a के, ठीक। सेम कंडीशन, sec 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे आप लिखोगे cosec a, ठीक। ऐसे ही सेम कंडीशन क्या होता है, cosec को यदि आप लिखते हो cosec 90 माइनस ए, तो ये किसके इक्वल आता है, sec a के, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक फार्मूले थे, ठीक है, और ये बहुत आसान है, आप इन्हें बना सकते हो, ठीक है। यदि आपको कोई इनमें दिक्कत आती है तो आप हमें बाय कमेंट में हमें बता सकते हो, ठीक है। और यदि आपको इनका प्रूफमेंट भी चाहिए तो वो बहुत इजी होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में ये मतलब कहें तो आपके एग्ज़ाम में ये आता नहीं है प्रूफमेंट इसका, केवल क्या होता है आपको फार्मूले याद होने चाहिए जिससे आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो, ठीक है। यदि आपको फिर भी लगता है कि फार्मूले ये आते किस टाइप से हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम एक नई वीडियो इसके ऊपर बना देंगे अलग से, ठीक है, जिसमें केवल इनके फार्मूलों को प्रूफ करना आपको बताया गया होगा, ठीक, यदि कोई दिक्कत आती है तब, ठीक। वैसे तो आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं पूछी जाती, यदि आप चाहते हो, अगर आप ज़्यादा डीपली से पढ़ाई करना चाहते हो गहराई से, तो आप बता दीजिए कमेंट में कि ये जो फार्मूले बन के आते हैं किस टाइप से बन के आते हैं, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम सीधे इसके क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 पे, ठीक। तो देखते हैं वो किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बना पाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं एक बार के लिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से सब क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या होता है, तो एक्सरसाइज आपकी चालू हो जाती है 8.3, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ पहला एक आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से इनको बना पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इन क्वेश्चनों में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका NCERT बुक का, ठीक है, ये NCERT बुक है के सभी क्वेश्चन हमें लगाने हैं NCERT, ठीक। तो पहला जो टाइप दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है इसमें, पहला जो है वो आपको दिया हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें कुछ इसके पार्ट दिए हुए हैं, जैसे इनको डिवाइड कर दिया गया है 1, 2, 3 में, ठीक है। तो हम पहला इसका उठाते हैं, पहला पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है आपको साइन
18 बट्टे कॉस 72। ठीक है, साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72। अब आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है इनका प्रूफ करना या इनको हल करना। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, ऐसा लिख सकते हैं, बट्टे कॉस 72। देखिए यहाँ पर अब होता क्या है, साइन 90 माइनस 72 हमने लिखा, तो इसका मीन्स हुआ क्या, मतलब इसका मतलब क्या है कि 90 में से आप 72 को घटाते हो, 90 में से आप 72 को घटाते हो तो शेष कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो हमने वही लिखा है कि साइन 18 ही ए बी। ठीक है, लेकिन हमने इसको फार्मूले में बनाने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है, ताकि आप इसको आगे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो करना क्या है आपको, इसको हमें क्या कर देना है कि जो भी आपका यहाँ पर होगा उसको 90 में से आपको घटा के जो भी बचे वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हमने 90 माइनस 72 लिखोगे तो इससे होगा क्या, जो शेष बचेगा यहाँ 90 में से 72 घटाने के बाद वो आपका 18 ही बचना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और बट्टे कॉस 72 को हमने सेम ऐसे रहने दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका आपको पता है फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं अभी आपने एक फार्मूला लिखा था कि कहीं लिखा होगा साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस ए, यानी कि यहाँ पर जो भी कोण दिया होगा वो कॉस के एंगल में आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी सेम क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर जो ए का काम कर रहा है वो 72 कर रहा है, यहाँ पर 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 लिख सकते हैं, नीचे भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक, और इन दोनों से आपस में कोई बराबर हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 1। ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ पर ये आंसर आ जाता है निकल के। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सन ने सिर्फ ऊपर वाला चेंज किया है, नीचे वाला भी तो हम कर सकते थे, तो बिल्कुल आपकी ये इच्छा है। ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार है, आप चाहते हो तो नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ऊपर वाले को हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो नीचे वाले को केवल सॉल्व कीजिए, आपका आंसर फिर भी सही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम दिखाई देते हैं, इसी को हम करके दिखाते हैं, फिर अगले जो क्वेश्चन होंगे उनको आप ट्राई करना, हम एक टाइप से तो बता के दिखा देंगे, दूसरे टाइप से आप खुद हल करने की उसे कोशिश करना। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं या करके। ठीक है, अगर यदि आप चाहते हो साइन 18 बट्टे कॉस 72। ठीक है, सपोज मान लीजिए अभी हमने जो ऊपर इसके लिए काम किया था साइन के लिए, ठीक है, अब हम नीचे वाले के लिए काम करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 18 बट्टे कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। जब 90 में से आप 18 घटाओगे तो जो शेष बचेगा वो 72 बचेगा, यानी कि 72 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर साइन 18 बट्टे, यहाँ पर एक फार्मूला था इसका, अगर आपको ध्यान हो हमने लिखवाया था, यदि कहीं लिखा हो कॉस 90 माइनस ए, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एंगल यहाँ दिया होगा वही एंगल किसके आ जाएगा, साइन के एंगल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ए का काम कर रहा है वो 18 कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 18, वो आप फार्मूले से देख पा रहे होगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा ना। अब ऊपर नीचे फिर से सेम आ जाते हैं, तो सेम आ जाएंगे तो क्या होंगे, ये आपस में कैंसिल होके आंसर कितना दे देंगे, 1 दे देंगे, तो ये आप आसानी से बना पाओगे। तो इसका भी आंसर कहें तो आप चाहे ऐसे बनाओ या इस टाइप से बनाओ, आंसर दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका, अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें आसानी से बना पा रहे होंगे और समझ में भी अच्छे से आते होंगे ये। ठीक है, फार्मूले हमने उनके सामने लिख दिए हैं, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हम फार्मूले साथ में लिखते जा रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक, इसको दफ कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन इसका उठाते हैं। ठीक, इसको आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो यदि आप करना चाहते हो तो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम उठाते हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ठीक है, वो दिया हुआ है 10 26 बट्टे कॉट 64।
फोर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें बहुत लिखा है, इसको भी हमें हल करके दिखाना है, तो बहुत बेसिक है, आप हल कर सकते हो इसको। हम लिख सकते हैं, हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाले को बदल रहे हैं, नीचे वाले को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, तो टेन, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 64, लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉट 64। ठीक है, यहाँ तक, जब आप 90 में से 64 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 26 बचेगा। ठीक है, आप घटा के देख सकते हैं। अब हम जानते हैं इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था इससे पहले, कि कहीं यदि लिखा हुआ है टेन 90 माइनस ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट ए लिख सकते हो, है ना। जब इसका एंगल क्या होगा, ए होगा, तो कॉट ए का भी एंगल ए ही होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब ए का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, 64 यानी कि 64 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 64, लिख सकते हैं ऐसा। नीचे भी कितना जाएगा आपका, ये कॉट 64, ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना दे देंगे 1। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि आप नीचे वाले को भी इसमें चेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, आप ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दीजिए, नीचे वाले को चेंज कर कीजिए, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन इसका उठाते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो टाइप इसका दिया हुआ है उसकी भी बात करते हैं, तो वो दिया है आपको कॉस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, तो इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मान लीजिए, चाहे तो आप इसको चेंज कीजिए, चाहे तो इसको चेंज कीजिए, केवल किसी एक को चेंज करना है, आंसर दोनों से सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले को ही चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 को, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42, लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब 90 में से 42 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा लिखा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, माइनस माइनस साइन 42 ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब होगा कि यहाँ पर हम जानते हैं अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, लिख सकते हैं अभी फार्मूले जो हमने लिखे थे, कॉस, यदि कहीं ऐसा लिखा है कॉस 90 माइनस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं ना, साइन ए, यानी कि जो भी इसका एंगल होगा वो साइन के एंगल में आ जाता है, तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, और ये कितना हो जाएगा आपका 42 माइनस साइन 42, होगा नहीं होगा, आसान है, आप बना पाओगे इसे। अब जितना ये साइन 42 प्लस में है, उतना ही वो माइनस में है, तो आपस में घट के कितना हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में घटेंगे, आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, ये भी आसान था, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। अगला आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर इसका 4, तो उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको है, वो है कॉसिक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, ये तो दिया हुआ है। अब इसको हमें हल करके बताने की क्या होगा, तो फिर से वही काम है, चाहे तो आप इसको चेंज कीजिए, चाहे तो इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करना है आपको, आपको आंसर मिल जाना है। ठीक है, तो सपोज हम इसी को चेंज कर देते हैं, पहले वाले को। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी चेंज करके देख सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस 59, क्योंकि जब आप 90 में से 59 को घटाते हैं तो ये 31 बचेगा। ठीक है, जब 90 में से आप 59 को घटाओगे तो ये कितना बचेगा, कॉसिक 31 ही बचना है, माइनस का ये हो जाएगा माइनस सेक 59। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक, अब यहाँ पर इसके लिए फार्मूले की बात आती है कि कॉसिक 90 माइनस ए, हम कहें तो यहाँ पर एक फार्मूला इसका था कॉसिक, कहीं यदि आपको लिखा हुआ मिलता है कॉसिक 90 माइनस ए, तो इसको हम क्या लिखते थे, सेक ए लिखते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने सभी फार्मूले आपको लिखवा दिए हैं, तो कॉसिक 90 माइनस ए कहीं लिखा होगा तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सेक ए लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर सेक ए है, यहाँ पर एंगल कितना है, कोण जो दिया हुआ है वो 59 है, 59 डिग्री है, तो यहाँ पर जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं सेक कितना 59, लिख सकते हैं माइनस सेक 59। ठीक, अब जितना ये माइनस में है उतना ही किस में है,
प्लस में भी है, ठीक है। जितना ये प्लस में है उतना माइनस में आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जितना पॉजिटिव में है उतना नेगेटिव में है, तो ये आपस में घट के कितना आ जाएगा, आंसर कितना देंगे, ये जीरो देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, आप इनको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ यदि आपको नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनके बारे में कुछ देखते हैं कि वो क्या हैं दिए हुए, ठीक है। तो एक एक करके हम चलते हैं अब आगे भी, इनको अब रफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला गया है कि दिखाइए, यानी कि आपको प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करने हैं, ठीक है, सिद्ध करने हैं। दिखाइए कि ठीक है, इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम पहला पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है नंबर 1, ये दिया हुआ है आपको 10 48 डिग्री डॉट, यानी मल्टीप्लाई 10 23 डिग्री डॉट 10 42 डॉट 10 67 इज इक्वल टू 1, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमें करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है। सपोज मान लीजिए ये आपका कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये क्या है आपका, राइट हैंड साइड है, ठीक है। या कहें ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, आप ऐसे समझ सकते हो। या हम लिख ही देते हैं, ये आपका बायां पक्ष है, ठीक, और ये आपका दायां पक्ष है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ठीक है, इसमें जो हमारा काम है वो क्या करना है कि बायां पक्ष को हमें सॉल्व करना है, और किसके इक्वल लेके आना है, दायां पक्ष के, ठीक है। तो ये आपका बायां पक्ष हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आपका दायां पक्ष हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक। तो देखते हैं कि 1 आता है या नहीं आता है। तो सॉल्यूशन में हम नोट करते हैं इसके, जरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हम बायां पक्ष नोट करते हैं इसका, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष किसके बराबर होगा, ये 10 48 डॉट 10 23 डॉट 10 42 डॉट 10 67, ठीक। क्वेश्चन ये है आपका बायां पक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान क्या रखना होता है, अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, और ये मतलब कहने के लिए आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, कि यहाँ पर जो आपको दिए हुए हैं, जैसे 48 है, 23 है, 42 है, 67 है, तो आपको किन्हीं 2 कोणों का योग 90 अंश देखना होता है यहाँ पर, ठीक है। जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, उन दोनों में से केवल एक को हमें चेंज करना होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये 48 और 42, इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हो, ठीक है, 48 प्लस 42, तो ये 90 अंश का इक्वल आएगा, होगा नहीं होगा। तो अब जैसे ये सिचुएशन बनती है, स्थिति बनती है, तो इसमें केवल आपको ध्यान रखना है कि या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है। किसी एक को चेंज करना है, चाहे तो आप इसको चेंज कीजिए चाहे तो इसको चेंज कीजिए, ठीक है। सेम कंडीशन क्या होगी, यदि आप इसके लिए काम करना चाहते हो, इसके लिए यानी कि ये वाले जो ऊपर आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 23 है ना, 23 प्लस 67, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये किसके इक्वल आएंगे, 90 के इक्वल आएंगे, ठीक है, 90 अंश के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो जब ये 90 अंश के इक्वल आएंगे, तो इसमें भी आपको सेम काम क्या करना है कि या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ध्यान में ये चीज़ आपको रखनी है, या तो आप इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। कहने मतलब क्या है कि जब किन्हीं 2 कोणों का योग 90 अंश होगा, तो उसमें से केवल एक को आपको चेंज करना होता है, दूसरा वाला आपको मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए हम इसके और इसके लिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42, लिख सकते हैं ऐसा।
आप 90 में से 42 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 48 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है, तो अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसके स्थान पे इसको चेंज किया है तो ये अब चेंज नहीं होगा, इसका ध्यान रखना, इसको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, इन दोनों के लिए बात करते हैं, तो tan 23, ठीक है, मतलब tan 23 डिग्री या tan 67, ठीक है, इसमें से किसी एक को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम इसी को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी कि इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, केवल हम इसको चेंज कर रहे हैं इसके स्थान पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 67 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, 90 में से जब आप 67 घटाते हो तो कितना बचेगा, ये 23 डिग्री बचेगा, यानी tan 23 आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं किसके स्थान पे, tan 23 के स्थान पे, 90 में से 67 को आप जब लेस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 23 बचता है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। मल्टीप्लाई tan 42, इसको हम ऐसे नोट करेंगे और आगे वाले को भी ऐसे ही नोट करेंगे, tan 67। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, दोबारा से एक बार आप देख लीजिए इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया होगा, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या पता करना होता है कि किन्हीं दो का योग, किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 48 और 42 का जो योग होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा, वो हमने यहाँ पर दिखाया, ये आपको लिखना नहीं है कॉपी में। ठीक है, अपने दिमाग में ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, वो तो हमने आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दिया है हमने। ठीक है, तो इन दोनों का योग जो था वो कितना था, 90 अंश था, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, किसी एक को लेके, चाहे तो आप इसको चेंज कीजिए, चाहे तो इसको चेंज कीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको चेंज किया है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सेम कहानी क्या है अगले वाले के लिए भी, कि यहाँ पर 10 23 दिया हुआ है, 23 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके साथ, क्योंकि इसका इसके साथ में 90 अंश आ रहा है, दोनों को हमने जोड़ा है, 23 और 67 को जोड़ते हैं तो 90 अंश के इक्वल आता है ये, तो चाहे तो आप इसको चेंज कीजिए, चाहे तो इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करना है इन दोनों में से, तो हमने यहाँ पर इसको चेंज किया है, 90 - 67 का दोगे तो आपको 23 बचेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 10 67 को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, दिमाग में ये कंसेप्ट आपको बैठा के रखना है। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसका फार्मूला आप जानते हो, हम आपको बता चुके हैं, यदि कहीं आपको मिलता है 10 90 - a कहीं मिलता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं, यदि आपको ध्यान हो तो, 10 90 - a है तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, cot a, जो भी यहाँ कोण में होगा a होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। अब यहाँ पर 42 दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे इसे cot 42। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सेम फार्मूले उसी पे है, तो यहाँ पर अब एंगल 67 है, 67 है, तो यहाँ पर cot 67 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 42 - 10 67। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से ही होता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब बात क्या आती है कि cot 42 cot 67 मीन्स क्या हुआ इसका, ये cot में दिए गए हैं और ये 10 में दिए गए हैं, तो आपको यदि ध्यान हो जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर में, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले आपको ध्यान होंगे, तो हम इसका एक फार्मूला होता है, यदि आप लिखना चाहते हो तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ, कि कहीं लिखा हुआ मिलता है cot a, तो उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/tan a, ध्यान आता हो आपको शायद, तो ये फार्मूला ये होता है कि cot a कहीं लिखा है cot a, तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/tan a। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर यदि हम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/tan 42। ठीक है, मल्टीप्लाई इसके स्थान पे हो जाएगा 1/tan 67, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 42 मल्टीप्लाई 10 67। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि cot 42 अगर जैसे यहाँ पर cot a दिया होता सपोज, तो cot a के स्थान पर 1/tan a लिखते, अब यहाँ पर चूंकि कोण दिया हुआ है 42, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो यहाँ tan के भी एंगल में कितना आएगा 42 आएगा, 42 आएगा। ठीक है, सेम इसके लिए भी होगा कि cot 67 है, तो यहाँ पर आपका 67 होगा, तो tan के भी एंगल में जो जाएगा कोण में जाएगा वो कितना होगा 67 होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर होता है क्या है, ये 10 42 डिवाइड में है मतलब भाग में है और ये गुणे में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 67 भाग में है और ये आपके गुणे में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक एकम कितना होता है 1 होता है, होता है नहीं होता है, तो ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष।
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, दायां पक्ष। तो इसको आप आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसे आप हल कर सकते हो, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रूफ्ड है जो आपको सिद्ध भी करना था, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक अगला है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं, तो उसको ही बनाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, इसमें क्या है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन टू आपको दिया हुआ है, कॉस 38 38 कॉस 52 कॉस 52 माइनस साइन 38 डॉट साइन 52, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर दिया हुआ है आपको 0, ठीक है। तो हमें करना है क्या है कि इसको सॉल्व करना है, ये आपका क्या है, बायां पक्ष है, आप सपोज मान लीजिए ये बायां पक्ष है आपका, बायां पक्ष, ठीक है, ये बायां पक्ष है और ये आपका क्या है, दायां पक्ष है, ठीक, दायां पक्ष, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमें करना है क्या है, ये आपका दायां पक्ष है, हमें करना है क्या है, बायां पक्ष को हमें हल करना है और हमें लेके क्या आना है, दायां पक्ष, यानी कि 0 हमें लेके आना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसे, तो देखते हैं आंसर क्या आता है आपका। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, बायां पक्ष नोट कर लेते हैं, बायां पक्ष, तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, कॉस 38 मल्टीप्लाई कॉस, ये डॉट का मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई से होता है, मतलब गुणे से होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉस 52 माइनस साइन 38, ठीक, मल्टीप्लाई डॉट का मतलब मल्टीप्लाई साइन 52, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, इसको बहुत आसान है। अब फिर से वही आता है कि इसको आपको चेंज करना है, तो यदि आप इसको चेंज करते हो तो होता क्या है, सपोज़ मान लीजिए इसको एक हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों का जब योग देखोगे तो कितना होगा, ये आपका 90 अंश होगा, होगा 38 और 52 को आप जो जोड़ोगे तो इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा, आपका 90 अंश आएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी यही काम करोगे, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 अंश ही आएगा, 38 प्लस 52 तो ये भी कितना होगा, 90 अंश होगा। तो किसी एक को हम चेंज करते हैं, इसमें भी सेम काम यही करेंगे, चाहे तो आप इसमें एक किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है, और आंसर आपके सामने आपको मिल जाएगा, ठीक। तो हम चेंज करते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पर इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 90 अंश है, 90 अंश है, ठीक है। तो जैसे आपको पहले क्वेश्चनों में हमने बताया, प्रीवियस क्वेश्चनों में, उसी टाइप से हम इसमें भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें यदि लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए काम करें तो कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, ठीक है। 90 में से जब आप 52 को घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका शेष, 90 में से अगर हम 52 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 38 बचेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई कॉस 52, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, केवल एक को चेंज करना था हमें, माइनस, अब यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नहीं, इसको तो नहीं, हम किसको चेंज करें, यहाँ पर करते हैं तो साइन 52 हो जाएगा और यहाँ पर कॉस 52 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको, तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 52, 90 में से आप 52 को घटाइए तो 38 बचेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई में उसको भी हमें लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 52, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका 52 ऐसे ही रहा, ठीक है। हमने चेंज किसको किया है, मतलब बदला किसको है, एक इसको बदल दिया है कॉस 38 को, वो आपको सामने है कि कॉस 38 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 52, आप घटाओगे तो 38 बचेगा। फिर हमने क्या किया, क्योंकि इन दोनों का योग 90 अंश था, आप जानते हो जब दो किसी का
जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो किसी एक को हमें चेंज करना होता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का योग 90 अंश था तो हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया 90 माइनस 52 लिख के। तो आप जानते हो 90 में से 52 घटाओगे तो ये 38 बचेगा। सेम कहानी हमने इधर भी अप्लाई की कि इन दोनों का योग भी 90 अंश था तो उसमें से हमने साइन 38 को हमने चेंज कर दिया 90 माइनस 52। जब आप 90 में से 52 को घटाते हो तो आपका कितना बचेगा, 38 बचेगा। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, साइन 52 आपका मल्टीपल में ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए क्या होगा, हम जानते हैं फार्मूला, इसका क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं कि कहीं लिखा हो कॉस 90 माइनस ए, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन ए लिख सकते हो ना। जब एंगल इसका ए होगा तो इसके एंगल में भी ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस है, वहाँ पर भी कॉस से था, तो ये किस में बदलेगा, साइन साइन, और इसके एंगल जो है मतलब जो कोण है वो कितना दिया हुआ, 52 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52, ठीक है, 52, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोण 52 दिया हुआ था जबकि वहाँ ए था तो ए ही रहा था, यहाँ 52 है तो यहाँ पर 52 आएगा। मल्टीप्लाई कॉस 52, ठीक है, माइनस इसको, अब देखिए ये साइन के लिए है तो साइन के लिए फार्मूला आप जानते हो, साइन के लिए क्या होता है कि साइन 90 माइनस ए लिखा हो तो इसको जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, पता है ना, ये फार्मूला बता चुके हैं आपको। साइन 90 माइनस ए लिखा हुआ तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉस में बदलेगा कॉस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 52 है तो यानी कि कोण क्या है, 52, तो ये हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई साइन 52, ठीक है। अब ये कुछ आपको एक जैसे दिखाई दे दूँगा दोनों में, है ना, दोनों सेम ही तो हैं ये। अब क्या है कि इसमें साइन 52, जो साइन 52 यहाँ लिखा हुआ है वो इसमें पीछे लिखा हुआ है, और जो कॉस 52 इसमें इधर लिखा हुआ है वो इसमें पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो कि इनको हम आगे पीछे, क्योंकि मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि यदि आप 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, आंसर आपको 12 ही मिलना है, इधर भी 12 मिलेगा और इधर भी 12 ही आएगा। तो सेम कहानी इसके लिए भी चाहे तो आप, हम लिख देते हैं ऐसा आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो आप इसको ही लिख दीजिए, कॉस 52 को आगे लिख दीजिए, कॉस 52 मल्टीप्लाई साइन 52, ठीक है, माइनस इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कॉस 52 मल्टीप्लाई साइन 52, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ देखिए जितना ये माइनस में दिया हुआ, ये पद जितना माइनस में है ये वाला, उतना ही ये प्लस में भी है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यानी कि प्लस का ही होता है हमेशा, आप जानते हो जब किसी के सामने कोई साइन नहीं होगा तो ऑलवेज क्या रहता है, प्लस का रहता है। तो जितना ये पॉजिटिव में है उतना ही ये किस में, माइनस में है, तो ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे और आंसर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा 0, तो ये यहाँ पर प्रूफ करना था, है ना। और ये यहाँ पर कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष भी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये दायां पक्ष ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका दायां पक्ष हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका जो कोण है वो क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, 52 यहाँ पर भी 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 है, तभी ये आपस में घट रहे हैं, ठीक है, जब कोण बराबर हो जाए उस वाली कंडीशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन में, कि किन्हीं का दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए, तो उसमें से केवल एक को आपको चेंज करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया, इन दोनों का योग 90 अंश था तो हमने केवल इसको चेंज किया, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है, और इसको फिर हमने फार्मूले पे लगा दिया, जो आपका फार्मूला होता है उस पर हमने लगाया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 52 लिख सकते हैं, और ये जो चीज़ थी इसको हम ऐसे लिख के लेके आए नीचे, ठीक है। सेम कहानी, इन दोनों का योग 90 अंश होता है तो हमने कहा केवल इसको चेंज किया, जैसे कि आपके सामने दिखा रखा है, और साइन 52 को वैसे रहने दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप जानते हो इसका फार्मूला होता है कॉस 52, क्योंकि इसका एंगल 52 है, और इसका साइन 90 माइनस ए का फार्मूला वो लिखा है तो कॉस ए का होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 52। अब यहाँ पर ये आपका आ गया, तो हमने आगे पीछे खाली चेंज किया था, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, इसको हमने इधर कर दिया, इसको हमने उधर कर दिया, मतलब इस चीज़ को पहले लिख दिया है नीचे लाके, इसको बाद में लिखा है, तो ये और ये दोनों सेम चीज़ें बन जाती हैं। तो जितना ये पॉजिटिव में था भाग, उतना ही ये माइनस में था, तो आपस में जब आप इन्हें जोड़ते घटाते हो तो कितना आएगा आंसर, आपको 0 मिल जाता है, जो कि हमें सिद्ध भी करना था दाया पक्ष, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। स्टूडेंट इस टाइप से आप क्या बना सकते हो, ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। अब एक इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आपको कोई दिक्कतें आती हैं, कोई क्वायरी हो आपकी, कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें सर समस्या आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। बाकी हम अगली वीडियो मिलते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।